निधि के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाना बताती हूँ। तो ये मैं कैसे बनाई हूँ आपको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको तड़का वाली दाल फ्राई बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल ले ली है, ये तुअर दाल होती है, इसको हम अरहर दाल भी कहते हैं। इसको मैंने 1 कप के लगभग ले लिया है। इसको हमको धोकर सोख करके रखना है। ये मैंने अपने दाल को धोकर सोख करके इसमें 3 से 4 विसल बजाकर इसको मैंने कुक्ड कर लिया है। कुक्ड करते समय मैंने इसको इसमें हल्दी और नमक थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर लिया था और ये हमारी दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम अपनी दाल को फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म करने रख दिया था और 2 टेबल स्पून के लगभग मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। इसको हमको गर्म करना है। हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले 1 टीस्पून के लगभग क्यूमिन सीड्स डाल देती हूँ, यानी कि जीरा। हमको गैस को अच्छी तरह से गर्म होने देना है अपनी कढ़ाई को। ये वन टीस्पून के लगभग मैंने मस्टर्ड सीड डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, उनको कट कर लिया है और 2 मैंने चिली कट कर ली है बीच से। आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा या कम कर सकते हैं। ये मैंने करी लिप्स लिया है, इससे इसका स्वाद और भी टेस्टी और अच्छा लगता है। इसको हम अच्छी तरह से तड़कने देंगे। ये रेसिपी हमको बिल्कुल भी लो फ्लेम पर नहीं बनानी है, एकदम हाई फ्लेम पर बनानी है। और ये मैंने 1 चॉप्ड अनियन ले लिया है, इसको हमको अच्छा पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। इसको अच्छा फ्राई कर लेना है, इससे इसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है। और जब ये फ्राई हो जाएगी हल्का गुलाबी, तब इसमें अपने बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज अच्छी तरह से भुन गई है, एकदम तैयार हो गई है। अब मैं इसमें 2 चॉप्ड टमाटो डाल देंगे इसमें हम। आप चाहें तो इसमें टमाटो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन लगती है। अगर आपके बच्चे दाल ना खाते हों, यदि आपको दाल पसंद ना हो, तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से दाल को बनाकर देखिए। आपको किसी भी सब्जी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको भी अच्छी तरह से पकने देंगे टमाटर को गलने तक। अब मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। नमक आपने अपनी दाल पर भी डाला था, तो अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। दाल तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार आप ऐसी दाल भी बनाकर देखिए कितनी टेस्टी लगती है। और अगर यदि आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अब हम अपनी यहाँ पर दाल को ऐड कर ले रहे हैं। हल्का सा इसमें पानी भी हम ऐड करेंगे, जितनी आपको गाढ़ा चाहिए या आपको पतला चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। अब इसमें हल्का सा पानी हम ऐड कर लेंगे। जिस भिगोने में हमने दाल को रखा था उसी में हम पानी डालकर उसकी बाकी दाल को भी इसमें हम डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए इसमें 5 मिनट के लगभग हम इसमें उबाल आने देंगे। ये दाल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको बच्चों को बनाकर खिलाइए, आपके बच्चे दाल खाना स्टार्ट कर देंगे और कभी दाल को मना नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये बनती है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। तो ये अब हम इसको उबाल आने देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक हम अपने इसमें उबाल आने दिए हैं। देखिए इसमें कितना बढ़िया उबाल आ रहा है। ये दाल हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, एकदम रेडी है ये। गर्मा गर्म जब भी आपको बनाना हो तो आप इसी तरह से बनाइएगा, एकदम दाल का स्वाद ही चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। हम इसमें अपनी चॉप्ड धनिया को डाल देते हैं। ये दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है बनाने खाने के लिए। आप इसको बनाइए, खाइए और ये कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी गैस को बंद करके दूसरी रेसिपी बताते हैं। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के लगभग चावल ले लिया है। आप अपने मेथड के हिसाब से लीजिए। ये मैंने इसको साफ कर लिया था। ये 1 गिलास चावल है।
इसको मैंने धो के सोख करने के लिए रख दिया था। अब ये बनाने के लिए रेडी है, तो मैं इसमें 2 गिलास के लगभग पानी ले रही हूँ। आप अपने चावल के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हर जगह पे चावल अलग अलग होते हैं, हर चावल की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो आप चावल को में पानी अपने हिसाब से डालिए। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने ऑयल डाल लिया है। इससे हमारा चावल एकदम खिला खिला बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब ये बनने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको गुआवा की चटनी बनाना बताती हूँ, यानी कि बीही की चटनी। बीही की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी बीही को चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बीही को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियों को इसमें ऐड कर ले रही हूँ। 1 अदरक को मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 ग्रीन चिली ले रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी मैंने धनिया लीव्स डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छी चटनी लगती है, और यदि सिंपल भोजन में चटनी मिल जाए तो उस खाने की बात ही क्या होती है। अब मैं यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पीसने के लिए एकदम तैयार है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। हमारी चटनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। चटनी सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनी है। आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ वेजिटेबल रायता। ये बहुत ही सिंपल, और रायता तो हम सबको खाना ही चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के लगभग दही ले लिया है, और इसमें मैंने अपना पानी ऐड कर लिया है। तो आपको अगर पानी ऐड नहीं करना है तो आप ना करें। और मैंने 1 चॉप्ड अनियन ले लिया है यहाँ पर, और मैंने 1 चॉप्ड टोमेटो भी ले लिया है बारीक बारीक काट कर। आप अपने स्वाद के अनुसार और भी इसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं। ये मैंने एकदम सिंपल वे पे बताया है। ये मैंने सॉल्ट के अपने टेस्ट के अनुसार डाल दिया। आप अपने अनुसार डालिए कम या ज़्यादा। आप यहाँ पर ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने ब्लैक पेपर लिया 1/2 टेबल टीस्पून के लगभग। आप ब्लैक सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के लगभग मैंने रेड चिली लिया है। आप इसकी जगह पर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, और ये सारे मसाले हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल और ईजी वे पर बनाया है। अगर आपको खाने के साथ ये रायता मिल जाए चटपटा सा, तो हमारे खाने का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इसमें अपने 2 चॉप्ड धनिया डाल देंगे। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये रायता आप एक बार बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनता है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप ये रायता ज़रूर बनाइए। अपने खाने में रोज़ रायते को शामिल कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा होता है। ये देखिए एकदम रेडी हो चुका है। तो हम अपनी थाली को तैयार कर लेते हैं। ये मैंने अपनी थाली को तैयार कर लिया है। ये मैंने अपनी दाल, रायता और चटनी, और थोड़ा सा मैंने सैलेड बनाया है, और ये पापड़ और चावल। ये बिल्कुल थाली एकदम सिंपल है, किसी झंझट के बिना ये रेडी हो चुकी है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको बहुत भूख लगी हो और आपको ज़्यादा कुछ बनाने का मन ना कर रहा हो, तो आप इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपके बच्चे खाना ना खाते हो तो इस तरह दीजिए, वो खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।